ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है। उसके मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से 40 साल के बाद में हर ईगल को एक डिफिकल्ट डिसीजन लेना होता है। पंजे शिकार करने लायक नहीं होते हैं। तीखी और नामी चोंच भी जो है वह काफी मोटी हो जाती है और पंख भी जो है वह मोटे हो जाते हैं। 40 साल के बाद हर ईगल के पास में ये ऑप्शन होता है कि या तो वह मर जाए 40 साल के बाद में, या फिर वही दर्द भारी बदलाव को एक्सेप्ट कर ले। वो दर्द भरा सामना यह है, इस ईगल को 150 दिन तक पहाड़ पर जाकर तब तक अपनी चोंच को पत्थर से मारनी है। जब तक उसकी चोंच निकाल कर गिर ना जाए तो पंजों से वह अपने पंखों को नोच लेती है और इस तरह से पंजे और पंख तीनों नए आ जाते हैं। 150 दिन का यह एक दर्द भरा सफर इनको देखना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने से इनका एक नई जिंदगी मिल जाती है। बारिश के वक्त सारे पंछी डर कर अंदर चले जाते हैं, लेकिन ईगल जो है वह बादल के ऊपर होता है